ये कौन लड़की? इना यार, अरे 2 लाख की खुशी। क्या चाहिए तुमको? हेलो, नमस्ते जी, कैसे आप सभी लोग? आज नए व्लॉग में आपका स्वागत है। टाइम हो गया है 8:21, हमेशा की तरह मैं आज भी लेट हूँ। धन्यवाद। अभी मैं जा रहा हूँ पांडा साहिब। अभी कैलाश मिलेगा मुझे धौलाकुआ। उसने बोलता कि भाई 8:45 पहुँच जाना धौलाकुआ। मैंने बोला ओके, मैं 8:30 पहुँच जाऊँगा। पर 8:21 यही हो गया। यहाँ से 1.25 घंटा तो लगना है ही है। लेकिन पांडा क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ। बन रहिए हमारे साथ। तब तक आप ये देख के बोल रहे होंगे कि यहाँ पर बारिश हुई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जगह है बिल्कुल छुपी हुई, यहाँ पे धूप की एक किरण तक नहीं लगती है यहाँ पे यार। और ये पूरी सर्दी में ऐसा ही रहता है गिल्ला, क्योंकि यहाँ पर धूप तो लगती नहीं है, सूखेगा कैसे। तो ये गिल्ला ही रहता है भाई। ये देखना सारा रोड सूखा है बाकी, और जितने कर्व्स होते हैं यहाँ पे हमेशा ही पूरी सर्दी में पाला पड़ता है, तो और गीला ही रहता है, और गीला ही रहता है रोड। यार फंबल क्यों हो रहा है आज इतना ज़्यादा? वैसे एक बहुत टाइम बाद में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए भी हो सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, गीला ही पड़ा है रोड भाई, भगा भी नहीं सकते इधर तो। और दूसरी मेरी बाइक की कंडीशन, बाइक तो नहीं मतलब टायर की कंडीशन, और हाँ मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको एंगल अच्छा लग रहा होगा ये इस टाइम, मतलब ये मेरा फाइनल और लास्ट एंगल है भाई। मैं बहुत एंगल बना दिया है, अब इससे अच्छा तो मैं नहीं कर पाऊँगा शायद। वैसे जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, थोड़ा करता रहूँगा तो हो भी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर आपको एंगल अच्छा लग रहा होगा तो एंगल के लिए एक लाइक ज़रूर। और अगर आप बिरला बाइला या इस साइड के हो कहीं पर भी, तो इस जगह को याद रखिएगा, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अभी नहीं, 5-6 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। ये है भाई अपना धौलाकुआ, अब उसकी वेट करता है। 10-15 मिनट में वो भी आ ही जाएगा। धूप सेकते हैं तब तक थोड़ी सी। ये देखिएगा, ये मिलेगा आप कैलाश से। क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? हेलो बोल। हेलो हेलो, बता दे कहाँ जा रहे हो? रॉयल इनफील्ड के शोरूम जा रहे हैं। रॉयल इनफील्ड कौन है क्या? हाँ ये भी थी यार, पर ये मेरे को सही नहीं लगती उतनी। ये कौन लड़की? इना यार, अरे लड़की नहीं। भाई तो हम जा रहे हैं अभी रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। आज है संडे, और वैसे पांडा में बंद होता है, लेकिन इसको मुहूर्त आज का दिया था, टाइम मुहूर्त का आज ही दिया था 9:45। 9:20 हो गए हैं। पांडा साहिब में आपका स्वागत है। टाइम 9:38। हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे 2-4 मिनट में। अब आखिरकार हम हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे। ये है रॉयल इनफील्ड, ये अंकल जी खड़े बाहर। ये रही भाई अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350। You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Yeah.
बेटा के चेहरे पर खुशी, चेहरे पर खुशी, 2 लाख की खुशी। नया ड्राइवर, नई बाइक, चल यही कुछ खुशियाँ हैं जिनसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का मन थोड़ा सा हल्का होता है, खुशी मिलती है। झूल गया पूरा। इतनी सी खुशी भी हमारे को बहुत बड़ी ऐसी लगता है कि भाई क्या हो गया, लेकिन जो खुशी होती है ना यार, और सबसे बड़ी खुशी होती है कि अपने पैसे से कोई चीज़ ली हो उसकी खुशी अलग ही कुछ होती है। नया नया ड्राइवर है भाई, अभी ये सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, हाथ बैठने में टाइम लग, चलाता तो है वैसे, लेकिन हाथ बैठने में टाइम लगेगा थोड़ा सा अभी इसको, एक ऊपर से भारी बहुत है ये। स्लो स्लो स्लो। बाकी भाई आपको मैं बताने वाला था कि ये तो आ गई है अपनी बाइक, मतलब कैलाश की बाइक, लेकिन अब इसके बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट मिलने वाला है। और कुछ हम हिमाचल से बाहर जा रहे हैं, दिल्ली तो मैं गया था, आपने दिल्ली के व्लॉग्स भी देखे थे, लेकिन थोड़ा सा दूर चलते हैं उससे। अगर आप में से कोई गैस कर सकता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो कमेंट करके भी बताइएगा ज़रूर। मैं फ़िलहाल तो विंडचीटर पहन लेता हूँ यार। भाई इस खूबसूरत से व्यू के साथ और इस बहुत ही खुशी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जो कि आ जाएगा आप 6-7 दिन के अंदर, मतलब 25th के आसपास आ जाएगा, क्रिसमस के आसपास आ जाएगा व्लॉग। मिलते हैं आपसे फिर अगले व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।